हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराधा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए। इसी के साथ आज फिर से एक नई ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बनाएंगे वेजिटेबल मस्टर्ड। तो ये देखिए, ये एक भी है इतने बड़ी। तो हम इसे कहते हैं कोबी लाई। देखिए इतना है कोबी लाई। तो आज हम यही बनाएंगे, ये देखिए पर्क के साथ बॉयल पर्क। तो बॉयल पर्क के साथ ये देखिए लाई। तो हमारी भाषा में कहेंगे गहोरी मांख बॉयल विद लाई, लाई हाँ। तो इसके लिए हमें चाहिए बड़ी बड़ी दो प्याज, तेज पत्ते, ये कुछ मसाले, जीरा और गरम मसाले, और ये दो बड़े बड़े आलू। ये मैंने अच्छी तरह से साफ करके धो दे ली। और दो टमाटर, और ये ड्राई रेड चिली, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आज हम यही से बॉईल बनाएंगे ये लाई हाक और गहोरी बॉईल। तो देखते रहिए आप लोग भी मेरी रेसिपी। तो फिर देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी और हमने पल्प भी डाल दिए। तो आज हम बनाएंगे पल्प बॉयल लाई हाक के साथ। तो फिर देखिए, ये हम तेल निकलने के अच्छी तरह से इसे ऐसे ही मिला दिया। तो फिर देखिए, अभी पानी निकल गया है, ये तेल नीचे निकल जाने तक हम इसे पकाएंगे। और अभी हम तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम देख रहे हैं नमक डाल दी, स्वाद अनुसार डालिए नमक। अब देखिए मेरी कढ़ाई बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। तो हम अभी इसे ढक्कन लगा देते हैं। तो फिर देखिए, अभी हम देखेंगे ये देखो कैसे तेल निकल रही है। तो अभी हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। देखिए मैंने आलू भी काट लिए ऐसे लंबे लंबे साइज में, और टमाटर भी काट लिए। तो अभी हम यहाँ पर प्याज डालेंगे। प्याज कटके भी डालेंगे। टमाटर भी डालेंगे। आलू भी डाल देते हैं, क्योंकि आलू थोड़ा कम होती है। उसका समय हो गया, उसके क्योंकि हल्दी जो भी कम देखी है तो कलर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये देखिए वेजिटेबल मस्टर्ड मैंने अच्छी तरह से धो ली है लाई हाक। तो देखिए
इतनी सुंदर है, देखिए ये कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हम बाद में लेंगे, जब मीट पक जाएंगे तो देंगे। लाल ड्राई मिर्ची को हम यहाँ पर कूट लेंगे और बाद में डालेंगे। देखिए इससे कलर आएंगे और देखिए इसे तेल निकल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर पानी डाल सकते हैं और हमारी मस्टर्ड वेजिटेबल के पत्ते डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमने सारा डाल दिए, ये देखने में ही बहुत लगी हुई है लेकिन ये पकने के बाद थोड़ी हो जाएगी। तो चलिए देख रही है मेरी सिंपल रेसिपी और ये पकने तक अगर हम ढक्कन लगा देते हैं तो चलिए अभी फिर से ढक्कन लगा देते हैं। देखिए कैसे हो और देखिए मैंने कहा था इतनी ज़्यादा है, देखिए इससे कम हो गई है पकने के बाद। लाई हाथ गाहरी रेडी हो जाएगी, इसलिए फिर से चिकन लगा दीजिए। तो फिर देखिए अभी हम लास्ट लाल मिर्ची कूट के लिए थी ना ये देंगे। देखिए ये हमने पानी थोड़ा सा पानी मिला के दिए है तो ये हमने उनको डाला। तो ये मिर्ची थोड़ा सा हम पकने देंगे, मिर्ची पकने तक हम ये पकाएंगे, ढक्कन फिर से लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी रेसिपी पक चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसे लाई एंड गाहरी बॉइल। तो ये देखिए तो हम ये ग्रेवी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हम दाल नहीं बनाएंगे तो इससे ही हम राइस खाएंगे, तो लोग भी ज़्यादा है हमारे। तो चलिए अभी हम यस हमारी रेसिपी इस रेडी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, तो आप लोग ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक नई ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तो चलिए बाय बाय एंड गजेंद्र एंड नमस्ते।